जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डे पर। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक धमाकेदार ट्रिक, जिसमें हम याद करेंगे पड़ोसी देशों से जुड़े हुए भारतीय राज। और कैसी लगी थी मेरी पहली वीडियो, मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही धमाकेदार ट्रिक के साथ, मस्ती में मौज मस्ती के साथ आप हर एक चीज को याद करते जाएंगे। ये आपको एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर एग्जामों में पड़ोसी देशों के भारतीय राज्य किस किस से लगे हुए हैं, ये ज्योग्राफी में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, बहुत हेल्प करेगी आपको। तो आइए पढ़ते हैं आज हम लोग पड़ोसी देशों से जुड़े भारतीय राज्य। तो इसको याद करने के लिए जो देश हमारा है भारत का पड़ोसी देश, जिसको हम लोग नेपाल के नाम से जानते हैं, नेपाल एक ऐसा देश है जो बिल्कुल फ्री है, जहां पे आने जाने का कोई भी पासपोर्ट या वीजे की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम पढ़ेंगे कि नेपाल से जो हमारे भारतीय राज्य लगे हुए हैं वो कौन कौन से है। इसे याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है कि बीसी उपखंड में है। क्या है? बीसी उपखंड में है। तो बी से बना बिहार, सी से बना सिक्किम, ऊ से बना उत्तर प्रदेश, प से बना पश्चिम बंगाल, खंड से बना उत्तराखंड, में और है साइलेंट वर्ड है। क्या देखा हमने? हमने देखा बी से बना बिहार, सी से बना सिक्किम, ऊ से बना उत्तर प्रदेश, पास से बना पश्चिम बंगाल, खंड से बना उत्तराखंड, ने है साइलेंट वर्ड्स है। तो कैसा लगा ये ट्रिक आपको? अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसा ना हो कि ये मौका आपके हाथ से निकल जाए। ठीक है, ऐसे धमाकेदार ट्रिक के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक। इतनी ज्यादा ट्रिक है, इतनी ढेर सारी ट्रिक्स जिसे आप याद करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगी होगी और नेपाल के पड़ोसी देश याद हो गए होंगे। बीसी उपखंड में है, बिहार सिक्किम उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड। ठीक है, ओके, मिलते हैं नए ट्रिक के साथ और नए उमंग नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।